दोस्तों आईपीएल 2022 के लिए प्लेऑफ्स की रेस अब सभी टीमों के बीच शुरू हो चुकी है। सभी आईपीएल टीमें अब अपने अंतिम मुकाबले खेल रही हैं। प्लेऑफ्स के लिए काफी टक्कर के मुकाबले आगे होने वाले हैं। आज मैं आप सभी को आरसीबी की टीम के बारे में बताऊंगा। आरसीबी की टीम को लेकर काफी सारी अपडेट्स सामने निकल कर आ रही है। प्लेऑफ्स में जाने के आरसीबी की टीम के कितने ज्यादा चांसेस है, आरसीबी की टीम को क्या क्या करना है अगर प्लेऑफ्स के अंदर जाना है। इसके अलावा आरसीबी की टीम के लिए एक और बड़ी गुड न्यूज है। तो अगर आप लोग आरसीबी की टीम के फैन हो तो इस वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को आप लोग देखिएगा बिल्कुल लास्ट तक। दोस्तों आईपीएल 2022 का फर्स्ट हाफ आरसीबी की टीम के लिए बहुत ही बढ़िया गया। 7 मुकाबले में से आरसीबी की टीम ने 5 मुकाबले जीत लिए थे, लेकिन उसके बाद आरसीबी की टीम लगातार 3 मुकाबले हारी है और अभी भी आरसीबी की टीम के नाम 5 ही जीत है। अब आरसीबी ने 10 मुकाबले खेले हैं, 4 मुकाबले आरसीबी की टीम के और बचे हो रहे 4 मुकाबले आरसीबी की टीम के लिए मस्ट विन मुकाबले होने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग पॉइंट्स टेबल की बात करें तो आरसीबी की टीम अभी नंबर 5 पर है। 10 में से 5 मुकाबले आरसीबी की टीम ने जीते हैं, 10 पॉइंट्स आरसीबी की टीम के नाम है। आरसीबी की टीम के टॉप अपडेट्स की बात करें तो आरसीबी की टीम के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि कल हैदराबाद और चेन्नई का मुकाबला खेला गया और उसमें हैदराबाद की टीम को हार का सामना करना पड़ा था और ये आरसीबी की टीम के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि हैदराबाद की टीम अभी पॉइंट्स टेबल पर नंबर 4 पर है। 9 मुकाबले हैदराबाद ने खेले हैं, 5 मुकाबले जीती है। आरसीबी की टीम से एक मुकाबला कम जरूर खेला है, लेकिन पॉइंट्स आरसीबी की टीम के बराबर है। नेट रन रेट अच्छे होने के कारण हैदराबाद की टीम पॉइंट्स टेबल पर आरसीबी की टीम से ऊपर है, लेकिन अब आरसीबी की टीम जो है वो उम्मीद करेगी कि हैदराबाद की टीम अपने आगे आने वाले 5 में से कम 2 या 3 मुकाबले हारे, ताकि आरसीबी की टीम के लिए आसानी हो सके प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के लिए। हैदराबाद के आने वाले 5 मुकाबलों में से एक मुकाबला आरसीबी की टीम के अगेंस्ट भी खेला जाएगा, तो वो काफी टक्कर का मुकाबला बन सकता है। आरसीबी की टीम को अगर प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करना है तो हैदराबाद की टीम को हराना पड़ेगा। इसके बाद दूसरी अच्छी खबर जो है वो आरसीबी की टीम के टॉप ऑर्डर से निकल कर आ रही है। आरसीबी की टीम के टॉप ऑर्डर में विराट कोहली के बल्ले से रन लास्ट मुकाबले में निकले थे और ये आरसीबी की टीम के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। विराट कोहली वापस अगर रिदम में आ जाते हैं तो आरसीबी की टीम के लिए आसानी हो जाएगी। अगर आने वाले 4 मुकाबले में विराट कोहली थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूट करते हैं तो आरसीबी की टीम के टॉप ऑर्डर से रन निकलेंगे, जो कि अभी तक इस आईपीएल में नहीं निकले हैं। और अगर टॉप ऑर्डर से रन निकलते हैं तो आरसीबी की टीम की जो बैटिंग है वो काफी बेटर हो जाएगी। तो विराट कोहली का वापस फॉर्म में आना यह आरसीबी की टीम के लिए सबसे बड़ी अच्छी खबर है और आने वाले मुकाबलों में ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो आरसीबी की टीम के अगले मुकाबले को लेकर आई है। अगला मुकाबला आरसीबी की टीम का 4 मई यानी कि आज से 2 दिन बाद चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट खेला जाएगा। चेन्नई की टीम बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रही है, वापस अपना फॉर्म चेन्नई ने पकड़ लिया और अब चेन्नई को हराना उतना ज्यादा आसान नहीं है। पहला जो मुकाबला आरसीबी और चेन्नई के बीच खेला गया उसमें भी चेन्नई की टीम को जीत मिली थी, तो ये मुकाबला टक्कर का रहेगा। 4 मई को ये मुकाबला हम सभी को दोनों टीमों के बीच देखने को मिलेगा। आपको दोस्तों क्या लगता है कि आरसीबी की टीम चेन्नई की टीम को हरा पाएगी, आप लोग नीचे कॉमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपको आरसीबी की टीम की हर एक न्यूज और आईपीएल 2022 के हर एक मुकाबले की लाइव लिंक चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पर आपको सभी तरीके की मैचों की लाइव लिंक्स मिलती है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम को आप लोग अभी जाके ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में।